नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजी भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं सुवो टीवी। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जो भी टपका फ्री नोटिफिकेशन चला जाएगा और लाइक से कमेंट करना ना भूलना, बिल्कुल फ्री है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज आपको एक दो पॉइंट बताऊँगा जिससे कि आप आसानी से देख सकते हैं कि अपना घर कैसे रहेगा, आपका खुद का घर, इसके बारे में आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम घर के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले आप अपना D1 का फोर्थ हाउस देखना है, ठीक है। उसके बाद आपका D4 का आपका फोर्थ हाउस देखना है, ठीक है। अब देखिए, तीन प्लैनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला आपके चंद्रमा, दूसरा मंगल, चौथा शुक्र। मंगल आपका ज़मीन है तो मंगल बहुत ज़्यादा वीक है, तो कहने के अपना घर बनने के चांसेस कम होता है कि आपने ज़मीन खरीद कर बनाना, तो आप लोग फ्लैट या फिर इस तरह की चीज़ों में जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके साथ साथ फोर्थ हाउस को देखिए, चंद्रमा को देखिए, शुक्र को देखिए और मंगल को देखिए, ठीक है। इन सब को देखना है। अब एक चीज़, आपको चंद्रमा से चार घर आगे जाना है और उस फोर्थ हाउस में चंद्रमा से फोर्थ हाउस को देखना है। चंद्रमा अगर आपके यहाँ पर बैठे हैं तो इससे चार घर आगे, 1, 2, 3, 4, तो आपको लगन को देखना है। लगन में बैठे तो इस हाउस को देखना है, यहाँ पर बैठे थोड़े यहाँ से चार घर आगे जाके अब इस हाउस को देखना है। ये हाउस का कैसा है, इसका लॉट कैसा है, कहाँ पर बैठे हैं, ठीक है कि नहीं, तो देखना है। आप D4 में चले जाइए। D4 में जाने के बाद आप देखिए, चंद्रमा से जिस घर को आपने देखा वो घर आपके D4 में कहाँ है, उसका लग्नेश कहाँ पर है, वो घर कैसा है, उससे भी आपको बहुत हद तक पता चल जाएगा। उसके बाद आपके D4 के आपके थर्ड हाउस में, आपके 6, 8 हाउस में और 12 हाउस में कहीं मंगल, सूर्य, आपके शनि, राहु, केतु है कि नहीं। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब पोजीशन पे है तो कहीं ना कहीं जब भी आप घर खरीदने जाएंगे कागज़ में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर रहेगा। अगर अपना नहीं दे सकते, आप जिसके घर में रह रहे हैं उनका घर अगर उनका अगर देखें कुंडली में कि उनका D4 में, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, सिक्स हाउस में कौन सी, मतलब वहाँ पर सूर्य, चंद्र, सूर्य, आपके मंगल, आपके शनि, राहु, केतु है कि नहीं देखना है, ठीक है। अगर है तो कहने वहाँ पर कागज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसके बाद D4 का फोर्थ लॉट कहाँ पर बैठा है और उसके साथ साथ D4 के फोर्थ लॉट कहाँ पर बैठा है, D1 के लगन लॉट कहाँ पर बैठा है, ये चीज़ आपको ज़रूर देखना है। आपके चर राशि जितनी भी चर राशि है उनको ज़रूर ध्यान से देखना है, ठीक है। और D4 में आपको मंगल, आपके शुक्र और चंद्रमा को ज़रूर देखना है, ठीक है। अब देखिए, D4 का जो फोर्थ हाउस का लॉट है वो अपने से कितने घर आगे गया है, उससे भी बहुत हद तक आपको पता चल जाएगा। और आपका फोर्थ हाउस का लॉट कहाँ पर बैठा है, फोर्थ हाउस के लगन लॉट, फोर्थ हाउस के लगन लॉट और आपके लगन लॉट D1 का लगन लॉट कौन है, उनका सर उनका रिश्ता कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, उससे भी आपको बहुत हद तक पता चल जाएगा। देखिए, इतने सारे जितने हमने पॉइंट बताए, आप उस पॉइंट को, हर एक पॉइंट के पॉइंट को लिखिए, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा करके लिखिए। अब देखिए, जितने सारे पॉइंट आपका अच्छा, जितने सारे पॉइंट अच्छा में आएगा, अगर 10 पॉइंट मैंने बताया आपको, अगर 10 में से 6 अच्छा आया है तो बढ़िया है, अगर 10 में से 3 अच्छा आया है बाकी 7 बुरा है तो यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव हो सकता है, ठीक है। ठीक है, छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना, आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आसानी से फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के बहुत अच्छे वीडियो देखते रहना।